डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का जबरदस्त अटैक देखने को मिल रहा है। यूक्रेनी सैनिकों की रूसी टुकड़ी पर भयंकर फायरिंग की तस्वीरें सामने आ रही है। वॉर जोन से जबरदस्त एनकाउंटर की वीडियो सामने आ रहा है। इलाके में गूंजती रही ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज जिसे आप सुन रहे हैं। तो देखिए डोनेस्क की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ताबड़तोड़ तरीके से काउंटर ऑफेंसिव लगातार जारी है यूक्रेन की तरफ से। आप देखिए डोनेस्क, लुहांस, खेरसॉन, ज़ापोरिज़्या की अगर हम बात करते हैं तो ये वो चार इलाके हैं जिनके विलय का ऐलान व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया। इनके हेड्स ने भी बकायदा वहां पर मौजूद रहकर सिग्नेचर किया, लेकिन अब दोबारा से अपनी जमीन को पाने के लिए कोशिशें यूक्रेन की तरफ से जारी। आप जरा इस मैप के जरिए समझिए, आप यहां पर अगर देखें किस तरह से रूसी फौज की जो लेटेस्ट तैनाती है वो आपको नजर आ रही है। पोलोंका यहां पर जो लेटेस्ट तैनाती है वो रूसी फोर्सेस की नजर आ रही है। इसके साथ साथ जैज लोनावा यहां पर रूसी फोर्स की जो नई तैनाती, ये आपको यूक्रेन का जो पूरा मैप है वो नजर आ रही है। तैनाती कहां पर, इसको अगर आप समझेंगे बेलारूस के साथ, जो हमने आपको अभी शुरुआत में बताया था बेलारूस के साथ जो बॉर्डर पर, यहां पर जो तैनाती है वो रूसी फोर्सेस की नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगर आप यहां पर भी देखें, यानी कि रूस से मॉस्को से निकलकर ये जो फोर्सेस है वो कहां तक जा रही है। इसके साथ साथ आप जरा यहां पर देखिए, आप जरा मॉस्को से जो राजधानी, मॉस्को से अगर आप दूरी देखेंगे रूस की राजधानी लोस विदा, रूस की सेना यहां पर तैनात है। या अगर आप इसकी यहां पर दूरी देखें, डिस्टेंस को देखें, इसके साथ साथ और देखें आप लातविया, यहां देखिए सबसे टॉप पर अगर आप देख रहे हैं लातविया, ये जो टारगेट है ये सबसे पहला है जिसकी 177 किलोमीटर दूरी, 1177 किलोमीटर की दूरी है। लिथुआनिया की 160 किलोमीटर की दूरी है और लातविया की 170 किलोमीटर की दूरी है। यानी ये मेन टारगेट है, जो हमने आपको बताया भी था कि ऐसे लिथुआनिया एक बड़ा डेंजर जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। और पोलैंड की आप देखिए, पोलैंड में सबसे ज्यादा जो रिफ्यूजीज हैं उनका जाना हुआ था, इसकी 130 किलोमीटर की दूरी है मॉस्को से, हम आपको बता रहे हैं। और कहां कहां पर, बिल्कुल इसके नजदीक पोलोंका हो, जैस लोनावा हो या फिर लोसविदा, यहां पर जो रूसी सैनिक है उनको तैनात किया गया है। यानी आप इसको समझिए किस तरह से जो व्लादिमीर पुतिन है वो इस वॉर में अपनी स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि जो मिलिट्री मूवमेंट है बेलारूस में, रूस की मिलिट्री मूवमेंट, इसका मतलब क्या है। सैकड़ों की तादाद में जो टैंक है, घातक हथियारों से लैस जो जवान है वो इस वक्त बेलारूस पहुंच गए। बेलारूस से नेटो देश पुतिन के निशाने पर है। अचानक रूसी तैनाती नेटो के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करती हुई नजर आ रही है। तो ये हमने आपको समझाया कि किस तरह से जो चाहे नेटो कंट्रीज के बिल्कुल पास में रूसी सेना की तैनाती हो या फिर बेलारूस में जो मूवमेंट हो रही है, जो रूसी सैनिक पहुंच गए, इस पर मेरा जो सवाल है वो, तिवारी सर, मेरा सवाल आपसे है कि आप किस तरह से इसको देख रहे हैं। एक तरफ हम यहां देख रहे हैं यूक्रेन में एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ हमले हैं जोरदार तरीके से रशियन फोर्सेस तरफ से किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ नेटो कंट्रीज के पास में रशियन फोर्सेस की तैनाती, ये क्या लग रहा है आपको, व्लादिमीर पुतिन किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ये पुतिन का ये जवाब है, ये एक लेग सोते हुए शेर को जगाना। जब लग रहा था कि ये वॉर खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रही है तब तक इन्होंने क्रीमिया पर अटैक कर दिया। ये पुतिन का जवाब है कि हमने एक्चुअली मिलिट्री ऑपरेशन किया था, वॉर नहीं थी। ये जो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं इसका अटैक का असर पड़ रहा है। ये बताना चाहते हैं कि नॉट ओनली यूक्रेन, पूरा यूरोप उसके मिसाइल के अंडर है, जब चाहे तबाह कर सकते हैं। तो अब तक मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी नेटो कंट्रीज या यूरोप बैकफुट पर हैं, पुतिन ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। पुनी की स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज इसलिए हुई है बिकॉज आर्मी के साथ, टैंक के साथ कब्जा करना, होल्ड करना मुश्किल है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करना, जनता के दम में डर पैदा करना और हर जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, कहीं ड्रॉप करना। तिवारी जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा अहम है, और जनरल सिन्हा भी कुछ ऐड करना चाहते हैं कीव को लेकर। देखिए दो तीन बातें, पहली बात कि विंटर आ रहा है, दूसरी बात कि पुतिन का पेशेंस खत्म हो रहा है। हाँ। वो कुछ टेंजिबल रिजल्ट देश को दिखाना चाहते हैं। तीसरी बात कीव क्यों, कीव इसलिए क्योंकि आप देखिए कि रूस से कीव का डिस्टेंस देखिए कई किलोमीटर ज्यादा है वीजा भी बेलारूस से कीव का डिस्टेंस। तो जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है वो आसान है बेलारूस के तरफ से, तो आप ट्रूप्स को मेंटेन कर सकते हैं, फ्यूल वगैरह सब सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है कि बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल रूस करता हुआ नजर आ रहा है कीव पर हमले के लिए।